आईपीएल 2020 के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, जिसके चलते टीम को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के गेंदबाजों के आगे आरसीबी का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका था। कप्तान विराट कोहली इस मैच में देवदत्त पडिक्कल के साथ ओपनिंग करने मैदान में उतरे थे और उन्होंने एरोन फिंच को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाई थी। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कोहली के ओपनिंग करने के फैसले पर हैरानी जताई है। सचिन तेंदुलकर ने अपने यूट्यूब चैनल में कहा कि होल्डर का ओपनिंग स्मेल काफी कमाल का था, मुझे विराट को ओपनिंग करते देख हैरानी हुई। यह एक अलग रणनीति थी जो कि चली नहीं। विराट पॉजिटिव दिख रहे थे, लेकिन जब होल्डर उनको गेंदबाजी कर रहे थे तो वह लाइन को काटने की कोशिश कर रहे थे। वह होल्डर की आउट स्विंग को कवर करने का प्रयास कर रहे थे, गेंदबाज की तरफ जाकर दूरी को कम कर रहे थे ताकि स्विंग को काट सके, लेकिन होल्डर लंबे होने के चलते बाकी गेंदबाजों के मुकाबले ज्यादा बाउंस मिलता है और यही तो ट्रिक थी। विराट बाउंस से बीट हो गए। हैदराबाद के खिलाफ कोहली की पारी की शुरुआत करने का फैसला कुछ खास नहीं आया और वह 7 गेंदों में महज 6 रन ही बना सके। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए एरोन फिंच ने 30 गेंदों में 32 रन की पारी खेली थी और आरसीबी की टीम इस मैच में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी।